असं सण आहे माझा सध्या मुख्तार मुख्तार तर सके सबक वही हाँ अले का तासो मिलमाना था खुशहाल है चिराजी तासो एरिया था और मैं हूँ आपका को होस्ट और इस दफा हम आपको घुमाएंगे तिरा वैली। आप क्या करोगे? हम भी घुमाएंगे, हम ही साथ है ना। ओके चश्मा है जबर टॉप का, जब भी आप जबर टॉप पे आएंगे ना उधर से उतरेंगे तो इस साइड पे पहाड़ से, तो इसका पानी लाजमी पीना है। ये बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, ये लोग पियेंगे आपको अभी बताएंगे कि फ्रीजर से भी ठंडा पानी है इसका। किस तरह है संगत है, संगत है लगा संग ऊपरी ठंडा है, ठंडा संगत है ये कभी खुश नहीं होता ये पानी, ये सारा साल इधर ही रहता है और इससे ज्यादा भी नहीं होता, न कम होता है न ज्यादा होता है, ये भी नेचर की ब्यूटी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कलाया बाजार, हम पहुंच चुके हैं, ये जामे मस्जिद है कलाया का, इधर हम नमाज पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। सही गिना 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 गिना। ये लाला होटल है मेले में और इसकी जो लोबिया है ना सबसे मशहूर जो लोबिया है इधर कलाया का वो लाला होटल का है। अभी हम लोबिया खाएंगे। मजे का भाई यूट्यूब ना रहा ले। तकरीबन 11 बंदों ने यहाँ पे खाना खाया है, चाय और कितने पैसे बने चाचा? 1200 जस्ट 1200। वाओ, कलाया में हमने अपना ज़रूरी सामान था सब कुछ जो खाने वगैरह का था वो ले लिए। कलाया में सब चीज़ इजीली अवेलेबल है और इकोनॉमिकल भी है, इतना कोई एक्सपेंसिव रेट भी नहीं है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मेहताब? दरामन हेल जा रहे हैं। से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे आए हैं, तो ये टॉप है इसके बारे में ये बताएंगे, लेकिन इसकी हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 6000 फीट है। तो आप क्या नाम है इसका?
इसको मकामी लोग इसको गाखी का नाम देते हैं। यहाँ पर एक नया रोड भी बन रहा है, आपको ऐसा बता सके देखो तो कुहाड़ पर बहुत ही शॉर्ट रास्ता जा रहा है, लेकिन इसको मुकम्मल करने में तकरीबन 5-6 साल लेगेंगे। और वो रास्ता तकरीबन अगर हम 2-2.5 घंटे में इधर आए ना, तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में हम फिर पहुँचेंगे। तो ये बड़ा अच्छा साइट है, और ईद के दिनों में या किसी की शादी ब्याह हो जाए तो इधर मतलब पूरा गाड़ियाँ करके इधर इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। और ये जो सामने एरिया है ये कौन सा है? सामने वही एरिया जहाँ से ऑर्गेनाइज स्टार्ट होती है, इसको कोरेस कहते हैं या पेड़ा कोरेस, वो इलाके में सब शामिल है। यहाँ से उस साफ दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट रास्ता। इस जगह से हमने हाइक स्टार्ट करनी है, 2 घंटे की हाइक है, तो हाइक के लिए तैयार होते हैं। दूधीपत जाते हुए हमारे साथ बादल था। बाय द वे, अगर आपने मेरी दूधीपत वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे देख लें। इस तरह हमारे साथ ये है, तो सामान वगैरह हमने लाद दिया है, यहाँ से आगे हाइक कंटिन्यू करनी है। तो दसा घड़ी था यार। यार यहाँ पे आने के लिए अगर आपके साथ लगेज ज्यादा हो, अच्छा, तो आपने साथ मस्ट ऐसी चादर ले आया करे, अच्छा, और फिर इसमें इजीली आपका सामान जो है आ सकता है। हाँ हाँ सही है। 1 घंटा 20 मिनट हो गए हम हाइक करते हुए और तकरीबन 7,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच चुके हैं। ये सामने जो जगह है टॉप, यहाँ पे हमने जाना है। उस जगह क्या नाम है मिताब? खिलवत। खिलवत, यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट करना है फिर इंशाल्लाह। इस ट्रैक की एक अच्छी बात यह है कि सारा रास्ता जो है वो कवर्ड है ट्रीज से, तो रास्ते में धूप वगैरह नहीं लगती, तो गर्मी में बंदा इजीली चल सकता है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? पुदीना है यार। हिम्मत जी, कैसा रहा सफर अब तक? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, थके तो नहीं है? नहीं, लेजेंड पानी यहाँ पे साथ लाना चाहिए, पानी नहीं है। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ हाइक हम इस टॉप पे पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम जो है वो खलवत टॉप है, और अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन ये तकरीबन 7,800 फीट की हाइट पे है। यहाँ पे रहने की जगह बनी हुई है, आप अपने साथ कैंपिंग का सामान भी ला सकते हैं। कैंपिंग की जगह भी है, अलबत्ता यहाँ पे रहने की जगह भी इन्होंने बनाई हुई है लोकल्स ने। और यहाँ पे हमसे पहले भी कुछ लोग आए हुए हैं, टॉप देखते हैं।
ऑलमोस्ट 7 AM इन द मॉर्निंग और हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस जगह का नाम जो है वो खलवत टॉप है। खलवत बेसिकली इसका मतलब है कि तन्हाई या तन्हाई में इबादत करना। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो यहाँ पे तन्हाई में इबादत करते थे, तो उस वजह से इस जगह का नाम जो है वो खलवत रखा गया और उनका यहाँ पे है मतलब एक जगह सी इन्होंने बनाई हुई है और साथ में मतलब उनके यादगार वगैरह लिखी हुई है। अभी हमारा ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ, हमारे साथ ही रहिएगा, हमने एक और जगह जाना है। अभी हम पहुंच गए ननावर केव पे और जय में ये सबसे टूर साइट सबसे अच्छा टूर साइट है। इसमें ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, क्योंकि जो लोग अमूमन आते हैं जो टूर साइट्स हैं वहाँ पे अमूमन लोग हाइकिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हॉरर मूवी चल रही है, हर तरफ ही अंधेरा ही अंधेरा और सैकड़ों चमगादड़ आपके एयर गेयर घूम रहे होते हैं। सो लेट्स गेट्स इनसाइड एंड एंजॉय द जर्नी। मकामी लोगों का कहना है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स को यहाँ से लावा निकला था, इस वजह से इसकी कुछ शेप ऐसी बनी हुई है और इसका नाम है ननावर। इन पश्तो नाना मीन्स अंदर एंड वर मीन दरवाज़ा, अंदर का दरवाज़ा है। चलो चलते हैं। अभी मरना यार, ये इतनी खतरनाक जगह मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अभी मैं फर्स्ट टाइम ये जगह देख रहे हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं। असद हाँ अभी आ रहे यार, सही नजर नहीं आ रही चमका रहे। अभी शायद अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाहर जाएंगे फिर जस्ट 2 घंटे की ड्राइव है और इतना प्यारा इलाका है। कुहाट जैसे इलाके में जहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ 2 घंटे के बाद यहाँ पे आओ तो रात को हम इतने ज्यादा ठहर गए थे, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन इतना होगा। बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, यहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ये चाहते हैं दे वन डेयर प्लेसेस टू बी एक्सप्लोर्ड। और अगर आपने आना है तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ये 2 लोकल्स हैं, मैं इनका FP लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनसे कंटेक्ट कर सकते हैं कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, या आपसे हर तरह का तावन करेंगे। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।